गाइस यहां हो गया बहुत तगड़ा एक्सीडेंट, मतलब चलते नहीं सही से और एक्सीडेंट हो गया। ये जो डिवाइडर है यही उड़ा दिया इन लोगों ने ना, इस सामने डिवाइडर है वो गाड़ी उधर पड़ी है, सामने डिवाइडर पूरा उड़ा दिया और ड्राइवर अभी जिंदा है, मतलब ड्राइवर को कुछ हुआ ही, जबकि ड्राइवर सीट ही उड़ गई है, ड्राइवर सीट उड़ गई देखो बाकी का पहिया आया है सामने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं देहरादून वहाँ के वहाँ, और वहाँ से हमको दो तीन काम है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। देहरादून वहाँ के वहाँ, और वहाँ से हमको दो तीन काम है और शूट तो मतलब कम ही हो पाएगा वहाँ थोड़े दिन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो हम जाने अभी देहरादून, आते हैं आपको कराते हैं आज देहरादून की शहर, तो निकले फिर वहाँ। बाकी घर कितना बन गया बता दे एक बार, यहाँ से रास्ता रास्ता ही रास्ता बना रखा है, प्लास्टर कर रहे हैं बाहर से और अब बनेगा धीरे धीरे, एक काम कर रहे हैं ये सुनील भाई है वो मिस्त्री जी है सुनील भाई भी है, अब मेरे को जबरदस्ती करा क्या करूँ, चल ही रहा है काम हो रहा है, अभी अंदर को हमको अंदर सब हो गया, बहुत सारी चीजें करनी, ये अपना रूम बना रहा है, इधर खड़ा है, अभी नल पाइप फिटिंग ही हो रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, हाँ काम बहुत है। और ये पीछे क्या है मेरा स्टूडियो, ये स्टूडियो है इसकी, अब बन जाएगा ये पीछे जो है, यहाँ पर स्टूडियो है, यहाँ स्टूडियो बनेगा, और हम पहुँच गए अब टॉप में, टॉप में पहुँच गए, आप पूरा घूम ऐसे करके घूम, ये देखो ये कल टंकी टूंकी लगाई छत में, दो दो टंकी रखी है, और यहाँ से ये हमारा घर का लुक दिख रहा है लुक दिख रहा है हाँ ये देखो पूरा जंगल दिखता है यहाँ, पूरा वहाँ दिखता है वो शहर दिखता है, यहाँ से खटीमा है वो, और शाम को बड़ी अच्छी धूप आती है, थोड़ी शाम को बड़ी अच्छी हवा आती है यहाँ, अभी देहरादून जा रहे हैं ये लोग, हम फिर बताएंगे तो निकल, तो बोल चलते हैं आगे वीडियो के, बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो के साथ। तो निकलते हैं फिर, अभी हम उनको जाना है देहरादून, बहुत लंबा टूर है, तो अभी शाम को निकल रहे हैं हम लोग, बाकी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है सीन, बुआ घर हमारे देहरादून में डोई वाला में, निकलते हैं फटफट लेट्स गो करते हैं, चलते हैं आगे वीडियो के, बने रहे वीडियो के साथ। इस फ्रंट साइड में अपनी गाड़ी रखी हमने, यहाँ से गाड़ी को निकालते हैं फटफट, बाकी हमको बाय करते हैं, निकलते फिर, अब आएंगे हम एक दिन में, एक दिन के बाद फिर मिलाएंगे आपको वहाँ से, हाँ चप्पल में जा रहे हैं, जाओ जूते तो नहीं चाहिए, चप्पल में जा रहे हैं अपन लोग, बिल्कुल खुले खुला खुला मतलब, चले भी वहाँ चल चल हाँ कल आ जा, हाँ ठीक है जाओ, फोन करना अच्छी से जाना, ठीक है चल ठीक है, ओके भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लेट्स गो लेट्स गो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ओवर पावर गर्मी हो रही है भाई, चलते भी निकलते हैं, लेट्स गो। हेमू भाई क्या हो रही, बढ़िया बढ़िया, कहाँ से आ रहे हो, बैग कहाँ है तुम्हारा, बस यही है अपना बैग, इसमें आ गया सारा सामान, आज एक ही दिन के लिए जा रहे हैं यार, बस ना थोड़ी ना, चले फिर लेट्स गो करें, चले गाइस चलो लेट्स गो। गाइस आया अभी हमारा ये गन्ने का जूस, लो मैं भाई रिफ्रेशमेंट, बहुत तगड़ा हो रहा है, मतलब गन्ने का जूस ना, हम कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, ये पीते बढ़िया, तो गाइस यहाँ हो गया बहुत तगड़ा एक्सीडेंट, मतलब चलते नहीं सही से और एक्सीडेंट हो गया, तो गाइस यहाँ बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये जो डिवाइडर है यही उड़ा दिया इन लोगों ने ना, इस सामने डिवाइडर है वो गाड़ी उधर पड़ी है, सामने डिवाइडर पूरा उड़ा दिया है, और अभी भी मतलब वहाँ लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या, एक दो बंदे एक दूसरे से भिड़ गए हैं, पता नहीं क्या सीन हो गया वहाँ, और ड्राइवर अभी जिंदा है, मतलब ड्राइवर को कुछ हुआ ही, जबकि ड्राइवर सीट ही उड़ गई है, ड्राइवर सीट उड़ गई देखो बाकी का पहिया आया है सामने, ये हिमांशु भाई ने साइड करा है, ये अपने हिमांशु भाई मतलब बीच में था रोड के बीच में था, इन्हें साइड कर दिया, तोड़ दिया उठ गया डिवाइडर। सो गाइस एम्बुलेंस आ चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, हिमांशु भाई आप बताओ पूरा क्या हुआ किस्सा, अरे मेरे को भी अच्छी से नहीं पता है, वो कह रहे हैं स्कूटी बचाने के चक्कर में उसने वो डिवाइड, मतलब दूसरी रोड टूट के यहाँ आ गए छिड़के, ये देखो ना ये
यहाँ आ गए इसके पार्ट्स, पार्ट्स उड़े हैं अगले रोड पे काम हुआ है, यहाँ पार्ट्स आ गए, बहुत तगड़ा उड़ा है। क्यों पीछे वाला टायर तो पूरा फ्लैट हो गया है। और लड़ाई कर रहे हैं क्यों वो लोग? उल्टे लड़ाई कर रहे हैं भाई, वहाँ लड़ाई हो रही है बिल्कुल फुल ऑन, बदमोशी चल रही है वहाँ पर। वहाँ बोले मैं त्रिको काट दूंगा, एक बोले त्रिको काट दूंगा, अलग चल रहा है वहाँ भाई। उसको पता ही नहीं कि किसी को क्या हुआ। चार लोग थे, चार में से तीन मिसिंग है, एक बचा है। अरे हुआ क्या पता है, तीन मिसिंग है, जिनका हुआ तीन मिसिंग है। एक ड्राइवर सीट से, ड्राइवर सीट उड़ी है और ड्राइवर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन बाहर निकला है। मतलब हवाबाजी चल रही है यहाँ पर बढ़िया वाली। क्या हुआ फिर हिमांशु भाई, इसका मतलब इसका शीर्षक क्या है, क्या करना चाहिए? गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, गाड़ी धीरे। हम तो आराम से आ रहे हैं भाई, हम तो बहुत आराम से आए हैं, बिल्कुल 7-8 घंटे हैं पहुंचना। एक्सीडेंट बगल में हम रुके, हमने देखो बहुत हमारे सामने बहुत तगड़ा हुआ है। और दूसरा सीन ये कि मतलब कभी भी इसका शीर्षक ये रहेगा कि कभी भी आप गाड़ी चलाते बहुत धीरे चलाइए, बहुत प्यार से चलाइए, डिवाइडर से चिपक के कभी मत चलाइए, किसी को ओवरटेक मत करना, नहीं तो फिर ऐसे चिपक के ड्राइवर सीट गायब हो जा रही है भाई। तो गाइस कल पहुंचे थे हम लोग देहरादून, और देहरादून पहुंच के मतलब रात को पहुंचे थे, और एक दिन का काम था। अमा हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम, हेलो कह दो, हेलो अमा, ये बुबू प्रणाम, ओके जीते रहो, चलते हैं फिर ना, पहुंचे साहब बुआ, चलो ओके बाय बाय बाय, ठीक है सबको दी बाय। फूफा जी लोग नहीं अभी यहाँ, अमा ओके बाय, ठीक है चलो फिर ना, प्रणाम प्रणाम, चलते मिलते हैं, फूफा जी से बाय कर देना, ओके। थोड़ी देर हम लोग को देहरादून एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे देहरादून में घुमाऊँ इतना भी नहीं घूमा, आज बहुत कम दिन निकला है, तो थोड़ा बहुत घूम के निकलते हैं, दिखाते हैं आपको। और एक जना यहाँ से हमारा और बैठेगा, निकलते हैं फिर। बाकी यहाँ से भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं देहरादून से भी, UQ07 बाबू भैया, लेकिन बाबू ये सब मतलब बातचीत तो होती नहीं हमारी, अभी होगी तो इन फ्यूचर मिलेंगे। तो गाइस निकलना पड़ रहा अभी हमको शाम को, तो बट अभी थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं देहरादून में। वैसे मैं आते रहता हूँ, मतलब बहुत टाइम, अभी तो बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले पैसिफिक, वहाँ से थोड़ी देर बाद आने वाला संदीप, संदीप को पकड़ेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर सहजदारा, तो इसी दिन निकलेंगे शाम को अपने खटीमा की ओर, और बहुत क्रेजी होने वाला सीन निकलते हैं, संदीप से ही मिलाते हैं आप लोगों को। पहले पैसिफिक चलते हैं, पैसिफिक मॉल निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन रहता है। गाइस अभी हम पहुंचे थे पैसिफिक मॉल, तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है, तो अभी हम कुछ खा रहे हैं क्योंकि लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, और संदीप को लगेगा थोड़ा टाइम आने में, तो निकलते हैं कुछ खाते हैं। अभी यहाँ से हमने ऑर्डर करा है बर्गर और कोक, तो खाते हैं फटाफट सब लोग, मज़ा आएगा। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर, इसको करते चलते आगे वीडियो बने रही वीडियो के साथ। अभी हम ये खाने वाले हैं, तो बहुत मतलब सुबह से की भयंकर भूख लगी है, और खाने में हमने मतलब नाश्ता किया था, वो क्या नाश्ता करने का, अब हम खा रहे हैं कचर बचर बचर बचर, तो इसको इसके ऊपर डाल दीने चाय पत्ती, चाय पत्ती ऐसे डाल के बना रहे हैं बढ़िया से। अच्छा लग रहा है, पीछे दिखा, पीछे दिखा, ये ग्रो, और कैसा है भाई? बढ़िया, कोबी दाई के भाई हमारे साथ। गुड यार, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है तू ऐसे बैठ के? स्टाइल है ये, देसी तरीका मेरी दोस्त। मोमो खाए जा रहे हैं यहाँ, गरम क्लीन करके जाएंगे तो गरम। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने